नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज के गरुड़ पुराण के प्रसंग में हम जानेंगे धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक और परमार्थिक दो रूपों का वर्णन, अजपा जाप की विधि, भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता के बारे में। गरुड़ जी पूछते हैं श्री विष्णु जी से कि धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोगकर दोबारा निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणा निधे पुण्यात्मा पुरुष, इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वो मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। भगवान बोलते हैं कि हे ताक्षर्य, तुमने ठीक पूछा है, मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ जिससे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले तो मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षट चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्य आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता और माता के विधान तथा नियम जैसे प्रकार के होते हैं, उनके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। 4थे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के बाद वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों और देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो धर्म धारण गर्भ धारण होता है उससे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। प्राय ऋतुकाल में 8वें दिन गर्भाधान के पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युग्म रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और अयुग्म विषम रात्रियों में गर्भाधान कन्या की प्राप्ति होती है, इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों का तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक जीवों सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए, कड़वा खारा तीखा और उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीज पनपन गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबूल खाकर पुष्प और श्रीखंड चंदन से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर संवार करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना चित्तवृत्ति तथा शुक्र जब एकत्व को प्राप्त होते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित स्खलित होता है और स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणिकित्त के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुंसवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थितियों में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्य अंगना आदि का योग्य प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात परमात्मा और उसके भिन्न पदार्थों के विषयों में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि संसारिक मनुष्य ब्रह्मवश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में वस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के निराकरण से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान से समान
परम रूप सत्य वस्तु में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर और ब्रह्म स्वरूप सत्य वस्तु का समय ज्ञान हो जाने पर वो उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत वस्तु या अनात्म पदार्थों से अनवित्या संबद्ध होने वाले इस ब्रह्म के संग्रहित अशुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अनवित्या समृद्ध प्रतीत होने वाली पृथ्वी आदि अनात्मक वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पांच स्थूलभूत कहे जाते हैं। ये शरीर इन्हीं पांच भूतों से बनता है, इसलिए पांच भौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियाँ, नाड़ियाँ, रोम तथा मांस ये पांच भूमि के गुण हैं, यह मैंने तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा पांचवा रक्त ये पांच जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। हे ताक्षर्य, योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये पांच गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांगना, फैलाना तथा चेष्टा करना ये पांच गुण वायु के कहे गए हैं। घोष, शब्द, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण और सर्व संश्रय समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना ये पांच गुण तुम्हें प्रयत्नपूर्वक आकाश के जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये अंतकरण चतुष्टय कहा जाता है। श्रोत्र, कान, त्वक, जिह्वा, चक्षु, नेत्र, नासिका ये ज्ञानेन्द्रिय हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियाँ हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार ये ज्ञानेन्द्रियों तथा अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्मेंद्रियों को देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी ये 10 प्रधान नाड़ियाँ स्थित हैं। प्राण, आपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। उद्गार, डकार या वमन में नाग वायु रहते हैं जिसके द्वारा उन्मिलन होता है, वह कुर्म वायु कहा जाता है। कृकल नामक वायु क्षुधा को उद्दीप्त करता है। देवदत्त नामक वायु जम्भाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृतक शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नामक का वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुँचाता है। उस वायु के द्वारा मुक्त आहार दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को रखकर के अग्नि के नीचे वह प्राणवायु सतह स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोंकता है। उसके द्वारा धोंके जाने पर अग्नि किटमल और रस को पृथक पृथक कर देता है। जब वह अव्यान वायु उस रस को पूर्ण शरीर में पहुंचाता है, रस से पृथक किया गया किट शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नासिका, जिह्वा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम ये 12 मल के निवास स्थान हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्य अंश से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे खग, अब नर देह के दो रूपों के विषय में सुनो, एक व्यवहारिक तथा दूसरा परमार्थिक है। हे विंसासुत, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़व शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़व शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियाँ कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियाँ हैं। इसमें 50 फल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 फल श्लेष्मा कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्ट और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों से युक्त है।
परमार्थिक शरीर में सभी 14वां भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। परमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में स्थित हैं। योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तल लोक तथा पैर के ऊपर वितल लोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानों में सुतल लोक और जांघों में महातल जानना चाहिए। शक्ति के मूल में तलातल, गुहा स्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल। इस प्रकार पैरों के तलवों से लेकर कटी पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर भूवरलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक परमार्थिक शरीर में स्थित हैं। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अधकोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस परमार्थिक शरीर में है। अस्थि में जंबुद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं के क्रौंच द्वीप, त्वचा में शाल्मलीप द्वीप, रोम समूहों में गोमेद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। रस का सागर शरीर रस में और दधि सागर रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादुद सागर को लंबिका स्थान, कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा या काकल में समझना चाहिए। नाद चंद्रक में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में ब्रह्म बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि गोलक में शनैश्चर स्थित है और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस परमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर षट चक्रों का चिंतन करें और यथोक्त क्रम से अजपा जप करें। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ताक्षर सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ जिसको सर्वदा करने से जीव जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें षट चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमश मूलाधार गुद प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, कंठ में, भौहों के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान और व से स पर्यंत वर्णों अर्थात व, श, श और स का आश्रय है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान ब से लेकर ल पर्यंत वर्णों अर्थात ब, भ, म, य, र, ल का आश्रय स्थान और षड्दलाकार है। मणिपूरक चक्र रक्तिम आभा वाला दश दलाकार और ड से लेकर फ पर्यंत वर्णों यानी ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ का आधार है। अनाहत चक्र द्वादश दलाकार स्वर्णिम आभा वाला तथा क से ठ पर्यंत वर्णों क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ से युक्त है। विशुद्ध चक्र षोडश दलाकार 16 स्वरों अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, री, लृ, लृ, अ, ए, ओ, ओ, अंग और अह से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हं, सह इन दो अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में दैदीप्यमान सहस्त्र दल कमला चक्र है जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक ब्रह्म
परम ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 की श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। हंग का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और सह की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंस हंस इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र के गणेश के लिए, 6,000 ब्रह्मा के लिए, 6,000 विष्णु के लिए, 6,000 शिव के लिए, 1,000 जीवात्मा के लिए, 1,000 गुरु के लिए और 1,000 मंत्र जप चिदात्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेत्ता अरुण आदि मुनि इन षट चक्रों में ब्रह्ममुख, ब्रह्मयुग किरण के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को उनका उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्र दल कमल में हंस पर विराजमान वर्त तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्तकमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ सा चिंतन करें। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदंतर कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए जो षट चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में षट चक्र में संचरण करती है। उसके बाद ब्रह्मरंध्र के बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग में मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके तदंतर ब्रह्म नामक मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतन आनंद स्वरूप प्रसव प्रकाश सनातन स्वरूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाएं। अपने प्रयत्न में ऐसा नहीं करें क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार अंतर्याग संपन्न करके बहिर्याग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात पांच भौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलतापूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति की मोक्ष साधिका हो सकती है। हालांकि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का दोबारा दोबारा विचार करके 3 यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। यज्ञादि सधर्म भी अनंतकरण की शुद्धि के लिए है और इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति दोबारा जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे तक्षर, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो गरुड़ पुराण है उसके अंतर्गत सारोद्धार में सुकृति जन जन्माचरण निरूपण नामक ये 15 अध्याय पूरा हुआ। अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे प्रातः 7 कथाओं की श्रृंखला में।